नमस्कार दोस्तों, आज 27 जून 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का अनार फलों का क्या बाजार चला। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अनार की। लो जी अनार की बोली चली है, हाँ अनार किंग के पास क्या क्या रेट चल रहा है भाई साहब के पास, ये जो गाड़ी है अनार की लगी आज के क्या क्या रेट हैं जी? बाकी साथ है। चलिए दोस्तों देखो ये अनार की बोली डब्बा पलटा जाता है, क्या शानदार माल भाई साहब यहाँ पर आए। और ये भी भाई साहब 1300 लिखूंगा, सिकंदरा 1100 हो गए, 1100 रुपए लगाए जी, 1150 क्या शानदार माल जी। आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले कहीं ये अनार आ जाए, ये 2000 के भी 12900 का छोड़ देखने से मिलेगा। दोस्तों इधर सबके पास गाड़ियाँ आ गई, तो गाड़ियाँ सबके पास आने लग गई। देखो बोली में भी चारों तरफ बोलियाँ चलती हैं, ग्राहक बहुत बढ़िया कार्ड है बेटे अनार की, ये मीडियम इसके दीवाने ज़्यादा हैं, लोग इसको ज़्यादा लेते हैं। गांव देहात में यूपी में हरियाणा में ये ज़्यादा चलता है ऐसे माल। वाह बेटे वाह, तो कटिंग भी ला लो जिनकी, देखो क्या शानदार माल है जी, इससे बढ़िया कार्ड कहीं नहीं मिलेगी बेटे, ले लो। देखने में ऐसे कर दिया 2-3 दिन में, इससे मंदा कहीं नहीं मिलेगा बेटे, फिर गुजरात लेना पड़ेगा अंदर से, लाल चाहिए तो यही है सिर्फ, तुम्हारा दिन आप ले लो। 650 है बेटे, कितनी है यार? 10 ही डब्बे है, 650 है बेटे, बिकलाट है दोस्तों 10। 500 भाई, लो जी 500 से 500 जाए बेटे, 50 है 500 लिख जा कमा बेटे, लो जी 500 रुपये में ही गया जी, तो 500 रुपये 10 है बेटे, 9 किलो में आ गया ना, अब रेड लेवल में आ गया, बाजार बंदा होगा कहाँ का बढ़िया आएगा। लीची वाले सब इधर आ जाएंगे, सब इधर आएंगे, लीची खत्म हो जाएगी, कहाँ किधर ही आएगा, कोई बात नहीं बिकना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह। भाऊ जी कह रहे हैं आधा ग्राहक लीची में जी, लीची हफ्ते में खत्म हो जाएगी, 2-4 दिन में सारे ग्राहक फिर इधर ही आएंगे अनार लेने के लिए। 800 है मास्टर, हाँ जी क्या हो गया यार, 16 दाना है ये गंजे मास्टर जी हैं यहाँ पर, ये भी माल काफी खरीदते हैं जी। मुँह से बोलो बेटे, 550 60 भाई, 560 भाई, 70 भाई, 600 भाई, 600 जाए, 600 रुपए गया तो हाँ इधर 10 का। गाड़ियाँ कितनी हो रही थी आज? गाड़ी कम है, मैं क्या 14-15 गाड़ी होगी टोटल। अच्छा जी, गुजरात भी है 5-6 गाड़ी, महाराष्ट्र कम है लेकिन उठाव कम हो गया थोड़ा सा, रेट मंदा हो गया, 1100-1200 टॉप रेट रह गए, 1400-1500 बिक रहे थे जो पहले 1800-2000 का हल्ला मिचा था, 1300-1400 रुपए अगर बहुत बढ़िया 10 किलो होगा तो। अच्छा जी, नॉर्मल रेट है 400 से लेके 1000 रुपए तक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1100-1200 कोई रेट नहीं है बाकी। तो आम में जा रहे जी सारे लेने वाले? हल्के बाल तो बिक नहीं रहे, हल्के बाल 250 से लेके 400 रुपए तक। अच्छा जी, हल्के बाल भी आ रहे हैं, पीछे भी मंदा है कुछ वहाँ पर? नहीं मंदा हुआ जी, हाँ जी सब नुकसान है, 200 रुपए डिब्बे का घाटा है, 200 रुपए डिब्बा का कम से कम नुकसान है व्यापारी को जी, कम से कम। और अब मिठास आ गई जी वैसे इसमें? कार तो बहुत बढ़िया होगी, खाने में 16 फुट से बढ़िया कोई अनार ही नहीं है। अच्छा जी, और हफ्ते 10 दिन बाद लाल हो जाएगा, बारिश हो गई वहाँ, अभी एक हफ्ता मंडी हमारी बंद है, 3-4 दिन माल कम रहेगा। अच्छा जी, सोमवार को खुलेगी उसके बाद थोड़ा सा लोड बढ़ेगा। अब एक जैसे माल कम आएंगे रेट बढ़ेंगे जी फिर तो? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये तो इनको पता, ये तो ठंडे हो गए अब सारे हम नहीं जाते आपस में, अकेला देख के घिर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, देख लो पूछ लो बचपन में क्या किया था इसने बता दे भाई। दोस्तों बड़ा मजाक चलता है यहाँ पर, मजाक चलता है बड़ा जबरदस्त यहाँ, दोस्तों बड़ा मजाक चलता है, हंसी मजाक सारी मंडी में जी, कैमरे में तो सारी चीजें दिखा भी नहीं सकते दोस्तों। ये जो है बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, एक डब्बे के लिए कॉल ना करें, यदि आप यहाँ आए तो कोई भी आड़ती आपको डब्बा एक के लिए मना नहीं करेगा। लो जी इसका भी देख लीजिए, देखने में ऐसे लग रहे पीले पीले आपको, पर अंदर से बड़े शानदार माल है जी। 750 लो जी, 700-800 रुपये लो जी, 800 रुपये में इस भाई साहब ने लिया जी। चलिए दोस्तों जान लेंगे 14 नंबर सेट में, जो 14 नंबर सेट आलू वाला सेट है, इसमें आज का हिमाचल वाले जो अपना आलू बुखारा आता है इसका क्या बाजार चला है, हिमाचल वाले और क्या माल आया भाई साहब के पास, आलू बुखारे जो क्रेटों में है और ये डब्बे आते हैं आज की क्या पोजीशन है जी? नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी भाई साहब जी, आलू बुखारे से अलग और क्या चीज़ है जी?
आलू बुखारे से अलग वो आपको वहाँ ब्लैक अंबर देखने को मिलेगा, थोड़ा कलर कम आया इस पे, अभी कलर नहीं हुआ पूरा। अच्छा जी, हाँ जी, बस आलू बुखार और ब्लैक अंबर ही है जी। हाँ जी, मैरी पोजा शुरू होने वाला है और एक हफ्ते के अंदर। हाँ जी, मैरी पोजा। अच्छा अच्छा, एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा। ये कहाँ वाले माल है जी अभी? ये मेरे पास सारा कुल्लू पड़ा हुआ, जितना भी आप देख रहे हैं लो हाइट और ज्यादा हाइट। अच्छा जी, वो ज्यादा हाइटों के माल है। हाँ जी, वो बिक रहे हैं 700 रुपए के। 700 रुपए के, 650-700 रुपए का 3x मीडियम माल है वो। और वजन कितना है जी क्रेट में? इसमें 15 किलो माल माल है। 15 किलो माल माल। हाँ, और जो मोटे माल है जिसकी हाइट के बढ़िया, मोटे माल आज बेचे हैं 1300 के। अच्छा जी, 1100, 1200, 1300। और वजन जी उनमें सेम, उसमें 14 किलो माल रहता है, 1 किलो माल कम रहता है उसमें। फिर वो मंदे क्यों गए जी? नहीं, जो मोटे माल है उनके क्रेटों में यही रेट चल रहे हैं शुरू से, 1000 रुपए से लेकर 1300-1400 रुपए तक। और इनके वाले ऐसे के, ये छोटे वाले माल जो है इनके रेट चल रहे हैं 600 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में। अच्छा जी, और आज का ब्लैक अंबर का जी है? ब्लैक अंबर अभी बिका नहीं है, 700-750 के आसपास बिकेगा ये वाला माल। अच्छा जी, अच्छा। और जो इसमें अभी मिठास नहीं आई है ब्लैक अंबर में, ये वाले माल लो हाइट के जी है? ये जो लो हाइट के हैं ये 550-600 रुपए के। 550-600 रुपए जी। और बॉक्स में नहीं आ रहा अभी माल आपके पास? बॉक्स में आज नहीं है फिलहाल, गाड़ी लेट हो गई है, ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है कुल्लू में, मंडी डिस्ट्रिक्ट के पास। अच्छा, गाड़ियां सारी लेट हो गई है। अच्छा, आज माल कम है जी मंडी में अभी? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए माल कम है ना, सारी गाड़ियां जो थी रस्ते में सब वहीं पे रुक गई है। अच्छा, मंडी पहुंच नहीं पाई, माल पूरा है पूरा बीच में रस्ते में है। तो कब तक आएगा फिर? तो कल ही बिकेगा, आज शाम को भी अगर आएगा तो कल ही बिकेगा। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। तो आज रेट में थोड़ा डिफरेंस है जी कुछ? रेट में आज जो डिफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि माल कम होने के बावजूद ग्राहक कम है। अच्छा जी, अच्छा। रेट कुछ खास बढ़े नहीं है। अच्छा जी, ना ही मालों का कुछ बहुत अच्छा उठान आ रहा है। इसकी वजह ये है कि अब ईद आने वाली है परसों। हाँ जी, ईद को खत्म हो जाने के बाद फिर हो सकता है कि बाजार ऊपर जाए। अच्छा जी, अभी तो चलेगा जी काफी दिन जी है आलू खराब, अभी चलेगा 10-12 दिन। अभी इसी साइड में ये कुल्लू से अलग और कहाँ का जी आलू खरा है? इस शेड के अंदर अभी कश्मीर चालू नहीं हुआ है। अच्छा जी, सारा अभी आपको रामपुर देखने को मिलेगा और कुल्लू देखने को मिलेगा यहीं पर जी। धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी? जी, मैं गुलशन रायन सन से बोल रहा हूँ, C618। हाँ जी, नई दिल्ली राजपुर मार्केट, फोन नंबर 9999873875। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जान लेंगे संदीप खुराना भाई साहब के पास, जो 13 नंबर साइड में आज का क्या क्या फ्रूट आया, जो 13 नंबर साइड में क्या क्या माल बिके। नमस्कार भाई साहब जी। जी भाई साहब जी, रोना कम लग रही जी बहुत भाई साहब, यहाँ पर 13 नंबर में राणा जी लगता है आप न्यूज़ नहीं देखते। हाँ जी, हिमाचल हाई अलर्ट पे है, बहुत बारिश हो रही है, ये भी समझो शुक्र है कि इतना माल आया हुआ है। अच्छा जी, पीछे बरसाते हैं ज्यादा? बहुत बारिश हो रही है जी, यहाँ तो आज रोना की नहीं है 13 नंबर। उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल सब हाई अलर्ट पे है, बहुत बारिश हो रही है। अच्छा जी, हाँ जी, तो माल रुका है पीछे? अभी माल रुके क्या मतलब, समझो बारिश की वजह से एक तो उड़ान नहीं हो पा रहे। तो आपको चेरी कहीं दर्शन करने को भी नहीं है जी? बस जी, चेरी अब ऑलमोस्ट खत्म है राणा जी, खत्म ये बिल्कुल खत्म नहीं है, थोड़ी बहुत आ रही है बाकी ऑलमोस्ट खत्म है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, तो आज अपने पास क्या क्या है? कुरबानी, कुरबानी आ रही है जी। कुरबानी के कैसे बाजार चले जी? कुरबानी बिक रही जी 50 से 70 रुपए पैनेट, 50 से 70 रुपए पैनेट। हाँ जी, और ये ब्लैक अंबर? ब्लैक अंबर 2 किलो की पैकिंग में बिक रहा है जी, 100 से लेके 150 रुपए तक। अच्छा जी, हाँ जी, 2 किलो पैकिंग में। और पैनेट में? पैनेट में बिक रहा है 50 से लेके 80 रुपए। जैसे वो पैनेट रखे जो उधर, ये अब जैसे लेस कलर है ये 50 रुपए के आसपास बिकेंगे ये माल। अच्छा जी, ये अभी फुल करारे माल है, लेस कलर है अभी ना। अच्छा जी, ये 50 रुपए के आसपास समझिए आप, ये 6 पीस हैं जी ये तो। अब कई कई ग्रोवर ऐसे भर देते हैं, क्या करें उसको। अच्छा जी, हाँ जी, बस जितना आया उतना डाल दिया। अब ये देखो ना, कोई मतलब 6 किसी में 6 है, किसी में 9 है। अच्छा, कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ उसके अंदर। और आज और क्या माल था जी इसके अलावा? अब ये देखिए राणा जी, ये एप्पल के भी थोड़ी थोड़ी पैकिंग छोटी स्टार्ट हो गई है। किस चीज की? सेब की छोटी पैकिंग हो में एप्पल अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही आता है। अच्छा जी, ये कच्चे सेब होते हैं ना, ये समझिए अर्ली वराइटीज होती है ये। हाँ जी, इनके क्या बाजार चल रहे जी? ये 100 रुपए बिका है ये। और वजन इसमें? वजन 2 किलो। ये तो खट्टा होगा बिल्कुल, अभी ये खट्टा है, ये समझिए मतलब समझो बस जो ले गया उसका बिक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रेडी वाला भी देखता रहो जी फिर। अच्छा, ये टच हो जाते हैं बहुत जल्दी ये वाला। चेरी कम आई है अभी? चेरी कम हो गई है, चेरी ऑलमोस्ट खत्म भी हो गई है जी। तो अब किस चीज का जोर पड़ेगा अब ज्यादा? चेरी में कीड़े की शिकायत है, आप राणा जी टाइटमैन आएगा, मोटी डंडी आएगी। अच्छा जी, हाँ जी, तो चेरी के व्यापारी वगैरह साथ आते आ रहे हैं अभी आजकल?
व्यापारी हो, मैं मजाक कर रहा था कि आजकल व्यापारी साथ आ रहे हैं क्योंकि चेरी के डब्बे खोलो ना हाँ जी तो कीड़े निकल रहे हैं, तभी मैं आपको कह रहा था व्यापारी साथ आ रहे हैं। अच्छा चेरी में कीड़ा बरसात के कारण? हाँ जी। अच्छा। मेरे पास भी यार चेरी के दो तीन लॉट थे, खोला तो कीड़े निकल रहे थे उसके अंदर से। अच्छा तो इसलिए मैंने मजाक किया था आपसे कि व्यापारी साथ आ रहे हैं चेरी के। अच्छा जी। तो यानी बरसात ने काम गड़बड़ कर दिया जी। बरसात भी जरूरी है जी, क्या करें। आपकी बात है ना, सारा ही सीजन ऐसा ही गया, शुरू में रेट मिल गया बच्चरों को, इनको हिमाचल वालों को, और शुरू में तो बहुत समझो बहुत हाई रेट मिल गए, बाद में जब इनकी फसल मेन पे थी रेट बंद हो गए। अब की बार बरसातों ने नजायज करी इनके साथ, चेरी की फसल तो बहुत खराब करी, गैर मौसम की बरसात हुई है, बहुत ज्यादा चेरी की फसल खराब करी उस साल। अच्छा जी। चेरी को तो बहुत नुकसान हुआ है इस साल। चलिए देखेंगे जी क्या रहेगा अगले साल इनका, इनका तो साली की फसल पे नहीं रहना जी अभी, अगले साल क्यों, अभी आगे समझिए टाइट मैन है, मेन सेब का सीजन है, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा रहेगा। चलिए जी बढ़िया, हम तो शुभकामनाएं करें जी अच्छा रहे, कम से कम दिल्ली वालों को हिमाचल वाले लगातार सेब से लेकर हर चीज खड़ा रहे जी। ये भी समझिए हाईलाइट के बाद भी आज 5-6 गाड़ियां तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर? मेरा नाम संदीप खुराना, दुकान का नाम GNTC 9811566035। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जान लेंगे इन भाई साहब के पास जो खुरमानी आई है, ईरान वाला ना आलू बुखारा है, ईरान वाला ये क्या माल है जी, और इनके पास आई है ईरान वाली लीची, ये चेरी आएगी, क्या शानदार माल, ऊपर से नीचे तक एक सार माल है जी। जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, कितने माल कितना वजन है जिसमें, क्या क्या रेट चले इनके। इनके पास जो गाड़ी आई एसी कंटेनर। हाँ जी राकेश जी, कहाँ वाला माल आया भाई साहब जी? ईरान का माल आ रहा है अपने पास जी, ईरान 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 का। आज का चेरी का क्या बाजार चला जी? 500 से लेके 400 रुपए तक। 400 से 500 रुपए की है ट्रे जी? हाँ जी। चार पैनेट 800 ग्राम की होती है, 800 ग्राम का एक पैनेट है जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये क्या चीज है जी? ये आलू बुखारा है। इसका क्या बाजार चला जी? ये 300 से लेके 400 रुपए तक है। 300 से 400 तक जी। इसमें कितना वजन है जी? 800। इसकी भी एक ट्रे का रेट है जी, चार पैनेट है, चार पैनेट का। अच्छा जी। अच्छा, और अपने पास खुरबानी नहीं आई जी? खुरबानी कल है अपने पास। अच्छा जी, और क्या माल आ रहा है अभी आपके पास? अपने पास कुल्लू का आ रहा है आलू बुखारा। अच्छा, अभी कश्मीर की चेरी आ रही है। अच्छा, कश्मीर की चेरी क्या रेट चल रही है? 100 रुपए से लेके 200 रुपए तक। 100 से 200 रुपए डब्बा जी, जी छोटे वाला जी। और इसकी डिमांड कैसी चल रही भाई साहब? इसकी अभी थोड़ी स्लो चल रही है। अच्छा जी। और चेरी की? चेरी चल रही है अभी, चेरी बिक रही है। खुरबानी कब आएगी जी? खुरबानी कल है गाड़ी अपने पास। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी। अपना मोबाइल नंबर जी? 9873786380। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जान लेंगे और ललित भाई साहब के पास भी आज का क्या बाजार चला, क्या क्या माल बेच रहे भी जो 13 नंबर साइड में बैठे हैं यहाँ पर, इनके बिना भी बात नहीं बनेगी, एक बार आना जरूरी है जी। परसीना पहुँच रहे जी, पसीने पहुंच रहे जी, आप तो माल भी कम है आपके पास, पसीने को पहुंच रहे जी आप? भैया पसीने पहुंच रहा हूँ, गाड़ी अब लग रही है जी इस समय आड़ू की जी। आप आई गाड़ी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कह रहे थे आज भाई साहब जी आज लेट हो गई, कह रहे हो? हाँ गाड़ी लेट हो गई भैया। अच्छा जी। अच्छा जी, और सुनाइए राणा जी, ठीक ठाक? बढ़िया जी, बढ़िया। ये तो आड़ू भी अभी आएगा, आड़ू आना जितना आ गया, आड़ू अब आ रहा है अभी, दिखाइए खोलिए बेटा, चारता भी जी ये वाले जी, वो खुला हुआ देख लियो जी। ये गाड़ियां भी आ रही भाई साहब जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओए होए, हाँ जी ललित जी, ये कहाँ तक जा सकता है माल, कहाँ तक जा सकता है ये? 350-400। 350-400 का, और वजन कितना है जी इसमें? 10 किलो, 5 और है एक का, एक मिनट, वजन 10 किलो ही होता है भैया सबके। और रेट? 350 से 400 रुपये भैया। ये बढ़िया माल, कोई बहुत एक्सक्लूसिव है, 450-450। अच्छा, ये माल जैसे ये माल है ये बाहर जा सकते हैं? हाँ, ये माल बाहर के लिए ही जा रहे हैं भैया सारे। अच्छा जी, हाँ जी। और जो दिल्ली में लेना हो किसी को ऐसा माल, हो किसके लिए भैया? दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए। तो जो मर्जी ले, हमने तो खुल के बेचना है, अब वो कोई अपने घर ले जाए, दिल्ली ले जाए, तो खाने के लिए कब तैयार होगा? खाने के लिए तो टाइम लगता है इसको भैया। कितना? 3-4 दिन पकने में लगता है टाइम। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा माल होने क्या? ये माल तैयार है, ये माल चल जाता है, ये दिल्ली में चल जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनके क्या बाजार चल रहे भाई साहब जी? बबलू देख ले बेटा, 1 लाख खिले हुए का रेट है 300-350 रुपए। और जो सुपर क्वालिटी का खिले हुआ माल है जी? खिले हुए जितना मर्जी बड़ी हो 300-350 रुपए का बाजार है। अच्छा, कच्चे की डिमांड है जी? कच्चे की डिमांड है, कोई भी लेके जाएगा, एक आध दिन रखेगा तो सही ना? अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक आध दिन रख के ही बेचेगा जी? एकदम तो बिकेगा नहीं। हाँ जी, जोन से दिल्ली की दुकानों पे बेचते हैं वो यही लेके जाएंगे? ये थोड़ा इस रंग का ले जाते हैं, थोड़ा सा
अच्छा जी 300, 350, 400 की रेंज में ले जाते हैं भैया ये लोग। अच्छा जी, आराम से इसको बेचते रहते हैं, जो रंग रंग वाला आता है पहले बिक जाता है। अच्छा जी, बाकी बाद में बिकता है भैया। अच्छा जी, और ये क्या जी है? ये नेक्ट्रिन भैया। हाँ जी, इसकी भी डिमांड अच्छी है, मजबूत है, ये तो छोटा लाट है इसीलिए पड़ा हुआ है भैया। अच्छा जी, आड़ू नेक्ट्रिन बिक रही है भैया 2 किलो के डब्बे 120 से लेके 180 तक। अच्छा जी, पलम आ रहे हैं कोटखई के हमारे पास 2 किलो वाले डब्बे भैया। हाँ जी, 120 से 160 150 ही अपने पास आए जी। हाँ, बहुत थे, पूरा भरा हुआ था वहाँ। अच्छा जी, 2-2 किलो के। उसके अलावा जो 4 किलो के डब्बे आ रहे हैं 170 से 240 रुपए भैया। आप तो चेरी बहुत कम है जी। चेरी भी खराब होगी हमारी, बची क्या चेरी में से? अच्छा जी, कुछ नहीं बचा चेरी। ये तो बड़े जबरदस्त कंटेनर आ रहे भाई साहब जी। हाँ, कंटेनर बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ बहुत कम है, सी बी ब्लॉक में तो बहुत लगे हुए हैं भैया कंटेनर ही है, इसीलिए सारे ग्राहक वही है। हमारा शक्कर बारा पिट गया 60 रुपए, 55 रुपए, 50 रुपए बिक रहा है भैया। 70 रुपए वो जो पनेट में शक्कर बारा आता है। अच्छा जी, पिछले साल अंधाधुंध फसल थी तब 80-90 रुपए बेच रहे थे भैया। पिछले साल से फसल कम है हर चीज की भैया। अच्छा जी, और रेट भी बहुत ज्यादा कम है भैया। अच्छा जी, ये हालत है भैया। चलिए जी, ये दुकाना खोल गए कहाँ, फिर बिकने में दिक्कत आ रही गहने में भी कोई? इस समय लेट हो गया ना भैया मामला, और सबसे बड़ी बात है परसों ईद है। अच्छा, ग्राहक वो भी कम है भैया। अच्छा, ईद के चक्कर में ग्राहक कम है जी, ठीक है। फिर लोडिंग जाएगी नहीं आज ये बात? आज लोडिंग कम जाएगी, तीसरे चौथे दिन की जाएगी लोडिंग। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? भैया ललित आनंद मेरा नाम है, D1420TSN 9811053000 मोबाइल नंबर है। आप कीमत है देख ले, सामान निकाल का मेरे लिए 2-3 मिनट समय निकाल के। क्या बात कर भैया, भैया एक रियलिटी बताऊं? हाँ जी, लोगों तक कैबिनेट नहीं रख के खोल दो। लोगों तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, रिटेल के लिए आपका चैनल नहीं है, ये किसानों के लिए चैनल है। हाँ जी, समझिए, एक किसान ने आज माल चालू करना है, 4 दिन बाद चालू करना है, नई वैरायटी क्या लगानी है, वो आपके चैनल देख के उसको समझ में आता है। हाँ जी, आड़ू आज 30 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए किलो बिक रहा है, पलम इस रेट का बिक रहा है, तो मैं आगे के लिए क्या लगाऊं? अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भैया, इस चीज़ का फायदा है। रिटेल के प्राइस थोड़ी ना भैया, ना रिटेल का किसी के घर में 10 किलो का डब्बा लगेगा आड़ू का, ना कोई लेने आएगा भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सीधी सी बात है भैया। किलो तो खराब भी निकलता होगा इसमें? हाँ हाँ, निकलता है, क्यों नहीं निकलता भैया? ये ले, अब ये देखो ना, अब ये रीपैक हो रहे हैं भैया। अच्छा, ये पक्के खराब निकलते ही है ना भैया, ये देखिए। अच्छा जी, ये फेंकने पड़ेंगे फिर इसमें? हाँ, वो तो फेंकने पड़ेंगे ना भैया। अच्छा जी, अच्छा, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठीक, थैंक यू भैया, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का मौसमी का क्या बाजार चला, मंडी में मौसमी की कितनी गाड़ियां आज के क्या क्या बाजार चले, चलिए जानते हैं भाई साहब के, जिनका 12 महीने दोस्तों इनका मौसमी का ही काम है, आज की मंडी की क्या रिपोर्ट है जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा साहब। भाऊ जी, कितनी गाड़ियां आ रही मार्केट में ये बताओ जी, कल कैसा बाजार था, कल में और आज में क्या डिफरेंस है जी? बाजार स्लो था कल भी। अच्छा जी, और बाजार स्लो है आज भी। कारण जी? कारण है कि बाहर बरसात हो रही है, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में। अच्छा जी, और यूपी में भी। अच्छा जी, और माल का अराइवल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट भी ज़्यादा फास्ट नहीं है। अच्छा जी, हाँ, आज कितनी गाड़ी हो रही जी भाऊ जी? 60 गाड़ी है आज। 60 गाड़ी आज, जिसमें कि 37 गाड़ी ताजी खुली है। अच्छा जी, 11 गाड़ी कल की बैलेंस। अच्छा जी, और 12 गाड़ी बंद है। अच्छा जी, अच्छा, हाँ। और जो इसमें पुराने माल कितने आ रहे जी? पुराना एक आध गाड़ी आ रही है जी। अच्छा, नहीं सबके पास ये बस नए ही आ रहे? सब नए माल है भाई, नए में कोई क्वालिटी फाइन है, कोई कच्ची है। अच्छा जी, ये आपका कौन सी क्वालिटी में माना जाएगा? फाइन क्वालिटी है। अच्छा जी, इसके क्या बाजार चल रहे जी? 1 नंबर 64 रुपए बेचा है। अच्छा जी, 2 नंबर 58 रुपए। हाँ जी, 3 नंबर 42 से 44। अच्छा जी, और जो 4 नंबर है 20 से 22। अच्छा जी, और ये क्या नंबर श्रेणी में आएगा? 5 नंबर। इसका क्या बाजार चलेगा जी? 5 नंबर 10 रुपए। 5 नंबर 10 रुपए। 10 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, बिक्री स्लो ही है जी अभी? बिक्री स्लो है। अच्छा जी, 3 नंबर तो बिल्कुल बिल्कुल ही स्लो है, उसकी डिमांड ही नहीं है। क्या कहा बात जी? 3 नंबर में 4 नंबर में रेटों में बहुत फर्क है, 20 रुपए किलो का फर्क है। अच्छा जी, 4 नंबर 20 का है, वो 40-42 का है, तो लोग 4 नंबर ले लेंगे इसकी बजाय? हाँ, वही चल रहा है बस। अच्छा, 1 नंबर 2 नंबर की तो ठीक है डिमांड, निकल कम रहा है। अच्छा जी, 3 नंबर ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन वो बिक नहीं रहा। अच्छा जी, अच्छा, हाँ, चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों मौसमी का ही काम है जी। Thank you.
चलिए दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के तरबूज के क्या बाजार चले, आज के क्या क्या रेट है। चलिए जानते हैं शेरे भाई साहब के पास। ये तो गड्डी बाहर की है जी, ये गड्डी लोकल नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी गड्डी लोकल में आती नहीं, और लाइट भी लग रही है, लंबा रेल का ट्रेला जी है, कहाँ का है जी। सर जी नमस्कार जी, जय श्री राम, राम राम जी बाबू जी, सबके बने काम, जय जवान जय किसान, जाग्या हिंदुस्तान, जाग्या हिंदुस्तान। ये कहाँ की रेल मंगाई? एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर है। हाँ जी, वर्ल्ड में इसको देखने के लिए विदेश से भी आते हैं यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, क्या आजादपुर मंडी है क्या जी? पर राणा जी, हाँ जी, आज तरबूज जो है ना, हाँ जी, ये पीछे निगाह मारो, ये अम्बेडा के तरबूज में पानी भर गया। अच्छा जी, और पानी भरने से, हाँ जी, ये अब गैस बन गई। अच्छा जी, गैस बनने से ये हैजा की बीमारी हो गई तरबूज को जी, ये जो अम्बेडा वाला। अच्छा जी, ये देखो आंध्रा की गाड़ी है, ये आंध्रा वाली है जी, सोलापुर। अच्छा, आंध्रा के बीच में। हाँ जी, ये वहाँ की गाड़ी है। अच्छा जी, अच्छा, ये तरबूज सबसे बढ़िया क्वालिटी है, और ये तरबूज है ही मेरे पास बढ़िया। कुमार भी कभी अपना गड़ा पोला नहीं बताता जी? नहीं, कुमार के खा के दिखाऊंगा अभी। अच्छा जी, आपको काट के दिखाऊंगा। अच्छा जी, और ये तरबूज का पता लग जाएगा, वैसे ही तरबूज के कहने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, तरबूज तो निकाल से पता लग जाता है। अच्छा, परसों जैसे बाजार तेज था जी, वो 35-36 शादियों का बाजार था, शादियाँ थी, शनिवार में शादियों का बाजार था, आज शादियाँ कम है। अच्छा जी, इसलिए बाजार में थोड़ी गर्मी कम है। अच्छा जी, फिर मौसम बाबू जी, रोज तो बारिश, और तरबूज बारिश में कोई खाता नहीं। तो अम्बेटा वाले हैं जोन से माल, ये कितनी गाड़ियाँ आ रही जी अम्बेटा की? अम्बेटा की गाड़ी ज़्यादा नहीं है आज। अच्छा जी, 40-50 गाड़ी होगी ज़्यादा। तो क्या रेट चल रहा है जी अम्बेटे वाले? अम्बेटा भाई 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक, 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक लाइट। अच्छा जी, बंद गाड़ी के रेट जी? बंद गाड़ी के रेट। और जो ये आंध्रा वाली जी है भाई, मैं 30-32 रुपये किलो बेच रहा हूँ आज, 30-32 रुपये किलो। अच्छा जी, अच्छा, जैसा ग्राहक लग रहा है वैसे बेच रहा हूँ। अच्छा, इसकी डिमांड बाजार में, हाँ जी, डिमांड कम के कारण ये आज गाड़ी 35-40 बिकती नहीं तो। अच्छा जी, थोड़ी डिमांड कम है। हाँ जी, इसलिए मेरा तो विज्ञाप कह रहा है नहीं ज्यादा। अच्छा, सारा क्लोज हो लिया जी? ये सारा विज्ञा ये आप ही के पास है जी? पूरी मंडी में? पूरी मंडी में गाड़ी शेरा भाई तरबूज वाला मशहूर है, इतनी बाहर वाली गाड़ी शेरा भाई तरबूज वाला। अच्छा जी, गाड़ी पे घुमाओ नहीं का, देख लीजिए पता चला ये किसान की गाड़ी है। अच्छा जी, और आज का खर इसका सर देगा जी? सर था भाई 150 रुपये से लेकर 200-250 रुपये तक। अच्छा जी, और जैसे वो भी खरबूजा रखा देखो पीछे में का, 400 रुपये से 500 रुपये। ये कृष्ण लाल जी की दुकान पे आज? ये तो लाल है। ना, ये खरबूजा। हाँ, कृष्ण लाल है ये। हाँ जी हाँ जी, कृष्ण लाल जी, कृष्ण लाल जी। अच्छा जी, ये क्या रेट चल रहा है खरबूजा जी? 400 से 500 बताया। 400 से 500, वजन 10 किलो जी? वजन 10। अच्छा जी, अच्छा, और परसों तो 35-36 रुपये तक चला गया था, 38 तक चला गया था, 40 बेचा था शनिवार को। अच्छा जी, ये मैंने 40 की रिपोर्ट में गाड़ी मंगाई है। अच्छा जी, पर क्या करें नुकसान हो गया, अब 32 रुपये चली गया, 32 रुपये 33 रुपये जो भी बिक रहा। अच्छा जी, अच्छा, कोई बढ़िया माल 35,000 हो गया जी? हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद सर जी, अपना मोबाइल नंबर जी? शेरा भाई तरबूज वाले 93-111-86-676 85-86-84-49-31। ये बड़ा हंसता है जी आपका बंदा जब आप इंटरव्यू देते हैं। मेरा भतीजा पैट। अच्छा जी, ये देखो ये मेरा नंबर है ना, महारानी के टाइम का, इंग्लैंड महारानी के टाइम का तो है ही। चलिए दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का नारियल पानी का क्या बाजार चल रहा है, मंडी में नारियल पानी की कितनी गाड़ियां हैं। चलिए जानते हैं विक्रम भाई साहब के पास, कहां वाले माल आए, कहां कहां माल जा रहे, क्या रेट है जी। सर जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, कितनी गाड़ियां हो रही जी, क्या पोजीशन चल रही जी? में 40 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा, बिल्कुल नहीं, क्या बात जी, बारिश की वजह ग्राहकी नहीं है। अच्छा जी, बाजार स्लो है। अच्छा, नीचे बिक रहा है 35 से 38। हाँ जी, 40-42। और जो परचून का जी? 48-50। अच्छा जी, बिक्री स्लो है जी? बहुत स्लो है, ग्राहक ही नहीं भाई बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, बरसात ने असर दिखाया जी? बरसात पूरा असर दिखा रहा है, एक ईद भी आ गई भाई साहब, ग्राहक सब घर भाग गए। अच्छा, ईद का फर्क है ना भाई? अच्छा अच्छा, जो छोटा आदमी त्योहार ज़्यादा मनाता है। अच्छा जी, चलिए जी, धन्यवाद सर जी, अपना मोबाइल नंबर जी? 80-10-80-33-76। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जान लेंगे आशीष कपूर भाई साहब के पास, जगदीश छोटू के आज का क्या रेट चला, कहाँ वाली गाड़ी इनके पास। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम। राम राम जी बाबू जी, बोलो सर। हाँ जी, आज का कैसा बाजार चला? ये नीचे 2 नंबर है जी? ये 2 नंबर सर। इसका क्या बाजार चला जी? 28 रुपए। और जो आज का पन्नी का रेट जी? पन्नी का रेट 40 रुपए। पन्नी 40 रुपए। और जो नंबर वन की क्वालिटी देखो आज मंगाई है। हाँ जी, ये देखो ये नंबर वन की क्वालिटी है सर। अच्छा जी, अच्छा जी, इसका क्या बाजार चला जी? इसका 50 रुपए का है सर। इसका 50 रुपए हाँ जी, गुच्छों में 50 रुपए का है सर। अच्छा जी, अच्छा,
धन्यवाद भाई साहब जी, अपना मोबाइल नंबर जी। सर हमारा मोबाइल नंबर 9999002535, 9999623724। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जान लेंगे आशीष ब्रदर्स के पास आज का प्रधान जी के यहाँ क्या रेट चला जी, कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ हैं जी। सर जी नमस्कार जी, भाऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाऊ जी, कहाँ वाली गाड़ी आ रही है अपने पास ये? अपने पास भी कोटा है, टूट है, सब आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा टूट का क्या बाजार चल रहा है जी? टूट का टूट पन्नी चली है जी 35 रुपये। अच्छा जी, और जो गुच्छे वाला? गुच्छे वाला बिक रहा 38 रुपये बिक रहा है। अच्छा जी, बिक्री में फर्क पड़ा जी कुछ? फर्क पड़ा बरसात के कारण। बरसात के कारण। अच्छा जी, बिक्री डाउन है। जो माल गुच्छे वाले 40-42 रुपये बिकने चाहिए थे वो बिक रहे 36-38 रुपये। अच्छा जी, जो ये पन्नी हमारी टूट वाली बिकती है 35 से 37 रुपये तक, ये बिक्री अब 34-35 बस इसे। विक्रम भाऊ जी बता रहे हैं, जो कुछ बंदे ईद मनाने भी चले गए गांव में, ईद ईद की वजह से भी थोड़ा डाउन है ना। अच्छा जी, अच्छा सारे काटने वाला काम तो इनको ही दिया हुआ ना भाई। अच्छा जी, अच्छा जैसे नारियल पानी बेचते हैं जी? नारियल फ्रूट का काम ज्यादा मोमडन आदमी करते हैं। अच्छा जी, जितना फ्रूट का काम है। ईद भी त्यौहार भी जरूरी है जी? त्यौहार इनका जरूरी है, बड़ा त्यौहार ना ईद, बहुत बड़ी ईद है इनकी जी। धन्यवाद सर जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल 9312833267 8880121515 शेफ फ्रूट कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया।